नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध। एनजीटी ने राजधानी में चलने वाली 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के मामले में सख्ती बरतते हुए सोमवार को जारी अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ से कहा है कि वह 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण फौरन रद्द करे और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपे ताकि वह इस मामले में उचित कार्रवाई कर सके। एनजीटी ने आरटीओ से यह भी कहा है कि वह उसके आदेश के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करे ताकि सर्वसाधारण को इसकी जानकारी मिल सके। बहरहाल उसने प्रतिबंध के मामले में ट्रकों को कुछ दिन की राहत दी है। डीजल मसले पर एनजीटी में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। नवजोत सिंह सिद्धू का राज्यसभा से इस्तीफा। पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी अटकलें हैं कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो पंजाब में चुनाव से पहले भाजपा अकाली गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि अमृतसर से सांसद रहे सिद्धू ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी जगह अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाया गया जो चुनाव हार गए। सिद्धू तभी से भाजपा से नाराज चल रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के पास कोई विकल्प नहीं था, राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा कश्मीर में सुरक्षा बलों और हिंसक भीड़ के बीच हुए संघर्ष में लोगों के मरने और घायल होने की निंदा किए जाने के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि घाटी में सुरक्षा बलों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। जेटली ने कहा कि हमें ऐसे मसलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। वहां के युवाओं को इस आंदोलन से खुद को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, वहां मात्र एक ही गठबंधन की सरकार बन सकती थी अभी वहाँ मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारे पीडीपी के साथ मतभेद थे, लेकिन फिर भी हमने देश की भलाई के लिए वहाँ सरकार बनाई। नाटो के हमले में 4 पाकिस्तानियों सहित 30 लोग मरे। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में पिछले 2 दिन में नाटो के विमानों के हवाई हमलों में 30 लोग मारे गए, जिनमें 4 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार हमले शुक्रवार की रात को नशीली दवाइयों के तस्करों के गिरोह को लक्ष्य बनाकर किए गए। तस्करों का गिरोह अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के निकट एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था और वे चगाई जिले से ईरान जाने का प्रयास कर रहे थे। मारे गए लोगों के शव क्षत विक्षत हो गए हैं, जिससे उनकी पहचान मुश्किल है। तुर्की में तख्ता पलट का षड्यंत्र रचने वालों की तलाश। तुर्की के सुरक्षा बल देश के विभिन्न शहरों में अब भी सैनिकों तथा उनके अफसरों की तलाष कर रहे हैं जो सरकार के तख्ता पलटने के षड्यंत्र में शामिल थे। सुरक्षा बल षड्यंत्रकारियों की तलाश शहरों के अलावा गांव में भी कर रहे हैं। वैसे अधिकारियों का दोबारा तख्ता पलटने के प्रयास की आशंका नहीं है। तख्ता पलट के प्रयास से तुर्की की सेना के हाईकमान को गहरा आघात लगा है, किंतु फिर भी वह गुप्त एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ काम कर रहा है। तख्ता पलट में सेना के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे, किंतु वह देश के बाहर भाग गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।